कर्म क्षेत्र है। भगवान ने कहा जैसा कर्म किया है तुम्हें फल तो मिलेगा। राजावल जल नहीं गिर रहा है, हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि जब सागर की चुटनी में कोई कूड़ा अटक गया है। एक काम करियो, एक तरकार लेके आओ, बढ़िया मजबूत हो, नाव डाल के देखते हैं इसमें क्या है। गए दौड़ के एक तिनका लेकर के आए, भगवान ने वो तिनका अपने हाथ में लिया और जैसे ही परमात्मा ने वो तिनका अपने हाथ में लिया है सागर में की टोपनी में डाला, हुआ क्या? और कुछ की झटना को चला करके झटबाई ताकि निकल के भाग गए। ध्यान रखना, कोई किसी के शुभकर्म में बाधक बनता है, विघ्न डालता है, अब तो ठीक चल रहा हो, लेडी भी बढ़िया चल रहा है, और रिश्तेदारों की बुराई नहीं करेंगे, हाँ अब ठीक चल रहा है, बढ़िया। सुखदेव ने कहा, राजा मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान को आंख खोलने में आनंद आता है। इसका मतलब परमात्मा ने और किसी भी अवतार में आंख खोली? हाँ, त्रेता में वनवास का समय था, राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में रहते थे, लक्ष्मण कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। आज राम अपनी सीता का श्रृंगार करने लगे हैं, सीता को सजाने लगे। इंद्र का पुत्र जयंत आ गया, अब वो छुप करके देखने लगा, ये कैसे ब्रह्मा है, कैसे राम है जो अपनी पत्नी को कामी पुरुष की तरह सजा रहे। आज इसने क्या किया, कौआ का रूप बनाया और कौआ का रूप बना करके सीता के पैर में चोंच का प्रहार कर दिया। वाल्मीकि ने लिखा कि सीता के वक्ष स्थल में चोंच मारी, लेकिन नहीं, तुलसीदास ने राम को पिता माना है और सीता को मां माना है, उन्होंने उचित नहीं समझा ऐसा लिखना। उन्होंने लिखा सीता चरण चोंच हत भगा, पैर में चोट मारी है। राम की नजर पड़ गई, रुद्र बहने लगा है, जयंत तूने सीता के पैर में चोट मारी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज भक्तों
धनुष उठा लिया, उस पे बाढ़ रखा, वो बाढ़ छोड़ दिया। आगे आगे जयंता, पीछे राम का बाण चला जा रहा है। जब कोई किसी की सुंदरता पर चोट करता है ना, दृष्टि कौआ जैसी हो जाती है। देखो मगर प्यार से, अगर किसी को गंदी नजर से देखोगे तो इन आंखों को एक दिन कौआ निकाल के खा जाएंगे। ये आंखें इस दुनिया को देख देख के बड़ी दूषित हो गई है। इन आंखों से राम को देखना चाहते हैं कि राम दिखाई दे रहा है, लेंस बहुत गंदे हैं, राम कैसे दिखाई देंगे, वो नहीं दिखाई दे रहे। राम को देखना है चित्र में ना देखो, राम को चरित्र में देखो। अगर आपका चरित्र साफ है तो प्रभु नजर आएंगे, जरूर दिखाई देंगे। तो पेट्रोल पंप पे गुनहरे के पुल के उधर वहां एक पंडित जी पेट्रोल डाल रहे थे, तो ऐसी चर्चा करने लगे। तो मैंने कहा सुनो, वो ब्राह्मण थे, बोले के ये है वो बहुत सी बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा सुनो, ब्राह्मण और पंडित में अंतर है, जो वेद का पाठ करने वाला है वो पंडित है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आप यहाँ पेट्रोल डाल रहे हैं, आप ब्राह्मण भी हैं, आप पंडित भी नहीं है। अगर कोई दिवाकर या जाट समाज से सीमा पर खड़ा है राइफल पकड़े, तो उस समय वो जाटव नहीं है, वो तो कौन है, उस समय वो क्षत्रिय है। अरे कैसे पिया पिया तारी चढ़ हो जाए, और नसेनी बिना हरे हरे नसेनी बिना से मिलना है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो चुप हो जाओ, मैं आपके लिए भी नसेनी बनाता हूँ। उन्होंने नसेनी बनाई, राम चरित मानस, और मानस और चरित दो डंडे चढ़ने हैं, और तीसरे डंडे पर राम तैयार बैठे हैं, आपका मिलन हो जाएगा। लगो दो डंडे हम चढ़ते हैं, मानस और चरित्र, लेकिन तीसरे डंडे पर राम दिखाई नहीं देते। क्यों क्यों? मनुष्य का जो चरित्र है ना, चरित्र से बहुत गिर चुका है। यही कारण है तीसरे डंडे पर राम नजर नहीं आते हैं, और ये दो डंडे हैं उन्हें दीमक खा गई है, जंग लग गई है उन्हें। तो जिसका चरित्र साफ है, राम उसे नजर आएंगे, उसे दिखाई देंगे। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन हो। आदत बुरी सुधार ले, बस हो। आ
आचार ही नमन ग्रंथ वेदा आचरण ठीक न हो तो विद्वान भी लज्जित होता है। बड़ा बड़ा विद्वान हो, मांस खाता हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, घृणा होगी कि नहीं, जरूर हो जाएगी। बड़ा विद्वान हो और चरित्र बढ़िया न हो, घृणा होगी कि नहीं, जरूर हो जाएगी। विद्वान तो है लेकिन इसका चरित्र बढ़िया नहीं है। आचार ही नम्न अपरंत वेदा, आचरण ठीक ना हो तो विद्वान भी लज्जित होता है। आचरणहीन व्यक्ति को, चरित्रहीन व्यक्ति को वेदों की ऋचाएं, वेदों के मंत्र कभी पवित्र नहीं कर सकते। भरत और शत्रुघ्न राम को बनवास हुआ, ननिहाल से लौट करके आए हैं। इन्हें मालूम पड़ा मेरा मन फराने मेरे घर का सर्वनाश करवा दिया। भैया को वनवास लग गया। शत्रुघ्न आए मंथरा के पास में और मंथरा के पास आकर के कुछ बोले नहीं, न कोई गाली दी, न कोई अपशब्द कहा, कुछ नहीं बोले। आए और लात मारी, कुवर में लात मारी है, मंथरा गिर जाती है। गाय की लात मारी, चरण की। जो व्यक्ति अपने आचरण से चरण में आ और जोड़ दो तो क्या हो गया, आचरण। जो व्यक्ति अपने आचरण से समाज की मंथराओं पर, समाज की कुरूतियों पर जो व्यक्ति अपने आचरण से प्रहार करेगा वही नाम का भैया शत्रुघ्न है। क्षमा मांगो कारू से, ऐसा है जाएगा अपराध।